ये आर्यश अग्रवाल का एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे हमारा एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, तो ये चीज़ प्रूफ करना है कि यह हमारा एक नल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से हम लोग LHS ले लेंगे। LHS लो, LHS क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7A। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए माइनस 5A प्लस 7i हो गए। ए की वैल्यू रखो 3 1 माइनस 1 2, फिर ए की वैल्यू रखो 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5। ए की वैल्यू रखो 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7। आई की वैल्यू 1 0 0 1। यहाँ देखो इसकी ऑर्डर लिखना होगा। तो ये तो मैच किया है हमारा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है सेकेंड मैट्रिक्स के रो के, तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये 2 बच रहा है, यहाँ पे देखना सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2 है। तो यहाँ ये 2 कॉलम्स, तो इस तरह से एक हो गया और ये एक सेकंड हुआ, ठीक है। दो बार लिखना है, अगर यहाँ 3 बचता तो 3 लिखते हैं। अब फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं 3 × -1, तो इसको हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड कॉलम लेते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो ये सभी के साथ होगा, तो ये 5 हो गया माइनस 5, ये 10 हो गया, दिस इज 7 0 0 7 हो गया। मल्टीप्लाई करो 9 - 1 8, माइनस 3 - 5 3 5 हो जाएगा 4 1 3, माइनस 15 5 - 5 10, दिस इज 7 0 0 7। तो 8 - 15 फर्स्ट होगा, 8 - 15 प्लस 7, सेकेंड होगा तो 5 - 5 प्लस 0, माइनस 5 ऑफ माइनस 5 प्लस 0 हो जाएगा, एंड 3 - 10 प्लस 7। तो ओवरऑल देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 0, दिस इज 0 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनती है कि इसमें तुम्हारा क्या ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है कि नहीं इक्वेशन को, तो इसमें भी आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा।